Yoga is a binding on a union of Atma with Paramatma. Then 8 elements are there, which is also called a Ashtang. ठीक है, अष्टांग हम कहते हैं योगा के 8 एलिमेंट्स को. एंड यू मस्ट बी नोइंग द नेम्स ऑफ दोस. फर्स्ट वन इज कौन सा है बेटा? फर्स्ट कौन सा है? यमा. यमा. सेकंड वन इज नियमा. थर्ड वन इज आसना. फोर्थ वन इज प्राणायाम. फिफ्थ वन इज प्रत्याहारा. सिक्स वन इज धरना, देन ध्याना, देन समाधि. Which is the last one where the हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना या उसके अंदर समा जाना. ठीक है बेटा. अब इनमें जो योगा है, योग करने का है, इसमें कई योगिक क्रियाएं भी हैं. ठीक है बेटा, वो भी अभी डिस्कस करते हैं योगिक क्रियाएं. प्राणायाम जो है दैट इज रिगार्डिंग द कंट्रोलिंग ऑफ. प्राणायाम इज कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग प्रोसेस जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? प्राणायाम. ठीक है, रिदमिक सिस्टमैटिक वे से सांस को लेना, उसे रोकना, उसे छोड़ना, सांस के द्वारा जीभ को गोल करके उसे प्रेशर के साथ या फोर्स के साथ अपनी बॉडी में से एक्सहेल करना मैक्सिमम या स्टॉप करना, उसके बाद ये सारी क्रियाएं जो, ये सारे जो वर्क है वो प्राणायाम के अंदर आते हैं. ये एक्सटेंशन है जिसमें काफी सारे और नाम आते हैं, लेकिन इसमें मेन क्या है? पुरका है, खम्बक है, और खम्बक है और रीचक्का है. अब इसमें क्या है कि पुरक में वी हैव टू इनहेल द ऑक्सीजन. ठीक है, जिससे हम लंबे सांस या सांस लेकर हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं बॉडी के अंदर, थोड़ी देर के लिए सांस को रोककर अंदर ही सांस को रहने देते हैं और उसके बाद एक्सहेल करते हैं. अब ये खम्बक क्रियाएं भी दो हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है. ये भी इसके फर्दर दो पार्ट हैं, जस्ट फॉर नॉलेज इसे ध्यान से सुन लो, इजी हो जाएगा बेटा. जब हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, हमारा पूरा प्रेशर जो है वो बाहर निकालने के लिए, और पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम चाहते हैं कि वो बाहर निकल आए. ठीक है, इंटरनल नाक से, मुंह से, किसी भी तरीके से हम उसे बाहर निकालना चाहते हैं ताकि हम दोबारा इनहेल कर सकें और एक्सहेल. ये प्रक्रिया है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? इनहेल एक्सहेल जो है सिस्टमैटिक या रिदमिक वे से. रिदमिक का मतलब है सुरों में ओम करते हैं ना बेटा, उसे कई बार आपने अगर ध्यान दिया हो, कई योगिक क्रियाएं जो योगिक काम करते हैं या प्राणायाम करते हैं वो दांतों को दबाकर या बंद करके और होठों को खोल के पूरी एयर को अंदर करते हैं फिर उसे बाहर निकालते हैं. कई सांस नाक नॉस्टल्स के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, मुंह के द्वारा बाहर निकालते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि सूर्य बेदन एक तरफ से टू डू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम वन नोस्टिल्स दे इनहेल, फ्रॉम अनदर नोस्टिल्स दे जस्ट एक्सहेल. एक से सांस को लेते हैं, दूसरे से सांस को छोड़ते हैं, डीप ब्रीदिंग. ये सारी क्रियाएं जो हैं, वर्क जो है वो किसके अंडर आता है? प्राणायाम. प्राणा, एक्चुअल दिस इज प्राणा प्राण. सांस आई तो प्राण है, नहीं तो गायब, हम कहते हैं ना बेटा. ये है प्राणायाम, यानी कि पवन, हवा, जाना और उसका आना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणायाम. अब एक चीज आती है, वो है योगिक क्रिया. नाम सुना होगा, हो सकता सुना हो, नहीं सुना हो, ठीक है ना, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. सो आई विल टेल यू योगिक क्रियाएं क्या होती हैं. अब ऐसे है बेटा, जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी है, ठीक है ना बेटा, हमारी एक्सटर्नल बॉडी को हम क्या करते हैं? इजिली वॉश कर सकते हैं. हम इजिली वॉश करते हैं ना अपनी जो बॉडी है उसको, बड़े आसानी से
वॉश कर लेते हैं, क्लीन विद मिल्क फॉर एनीथिंग, जिससे मर्जी हम फोन निकाल लो, हम उसे आराम से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हें हम कैसे क्लीन करें? और उनका क्लीनलीनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट बेटा। अब यौगिक क्रियाओं के अंदर आता है नेति, क्लीनिंग द नोज और माउथ। आपने कई बार ये चीजें सुनी होंगी या देखी होंगी, कई लोग नाक से पानी डालते हैं और मुंह से निकालते हैं, ठीक है। इसकी 3 क्रियाएं होती हैं, नोज टिल को साफ करने की, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी जो क्योर ऑफ कोल्ड, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाता है सर्दियों में, बलगम जिसे पंजाबी में कहते हैं, उसका निकलना, या ये सारी चीजों को क्लीन करने के लिए हम नेति क्रिया लेते हैं, जिसके अंदर हम नोस्टिल को या अपने नोज को क्लीन करते हैं 3 तरीके से, पानी से, दूध से और घी से। हाउ इज इट? अगर आपने अपने घर में बुजुर्गों को देखा होगा, then you might have seen or heard they use a mustard oil, सरसों का तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में ही नहीं, even for the massaging their body or to oil their body। आपने अगर नॉर्मली भी पढ़ा हो क्योंकि या सुना हो, तो हमें मैक्सिमम टाइम एग्जाम्पल आती है या फेसबुक या उस पर भी हम देखते हैं, हाउ टू कीप योर बॉडी क्लीन बाई यूजिंग अ ऑयल इन अ नेजल, उसमें नेवल बटन में, हम जैसे पंजाबी में धुनी कहते हैं, उसमें लगाने से हमारी कितनी हेल्पफुल रहती है इंटीरियर बॉडी को सॉफ्ट करने में या उसमें। इसी तरीके से नेति के अंदर एक पॉट होता है, उसका नाम ही नेति होता है, क्योंकि वो उसकी फॉर्मेशन जो होती है ना बेटा, दैट फॉर्मेशन इज लाइक अ ट्यूब, और ये पॉट है, उसके आगे स्टिक टाइप लगी पाइप बनी होती है, जैसे केटल में होता है ना बेटा, केटल केतली होती है ना जिसमें चाय डालते हैं, इन द सेम फॉर्म, नॉट एग्जैक्ट लाइक दैट, ये ब्रास का बना हुआ बर्तन होता है बेटे, इसमें आमतौर पर शेप थोड़ी कन्वर्टेड होती है, ताकि हम नेजल से उसे आराम से नोस्टिल से अपने नाक में हम पानी को डाल सके, उसे ल्यूक वाटर को, और उसके बाद उसको हम गले से बाहर लेके, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ आवर नोस्टिल्स। इन द सेम वे विद द मिल्क ऑल्सो पीपल यूजली डू, एंड विद द घी ऑल्सो, ठीक है, दे जस्ट मेल दैट घी, ठीक है, और उसके बाद उस प्रोसेस को हम गले से बाहर की तरफ लेके आते हैं, जिससे जो ड्राइनेस है बॉडी में, हमारे नोज में, या कोई जख्म हो रखा हो, इंजरी हो थोड़ी बहुत, इंटीरियर कई बार हो जाते हैं ना ओवर उसके करने से, या फिर अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं स्मूथ, कई बार उनकी सांस नहीं आती है या प्रॉब्लम होती है, या कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स एंड अदरवाइज, उसके लिए नेति जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, उसे हम, ये योगिक क्रियाओं के अंदर सबसे पहला है। समझ में आ गई बेटा इतनी बात? अंडरस्टैंड बेटा, नेति समझ में आ गया? अब है कपाल। yes. कपाल भाती सुना है पर ये पता नहीं होगा, क्योंकि जब हम रामदेव जी के या कोई भी योगा के देखते हैं, वो कपाल भाती का नाम आम, एक अलोम विलोम नाम जो है वो आम लोगों ने सुना होता है, या एक कपाल भाती, जबकि इसका मीनिंग शायद कईयों को पता हो और कईयों को नहीं। कपाल भाती का मतलब है, कपाल मीन्स फोरहेड, ठीक है, फोरहेड, इंटीरियर फोरहेड जो है उसकी क्लीनिंग करना, ताकि हमारी सोच और सब चीजें जो है उसका शाइन होना, फोरहेड या ग्लोइंग ऑफ फोरहेड और शाइनिंग ऑफ फोरहेड जो है उसे हम कपाल भाती कहते हैं, ठीक है, क्लीनिंग, इसकी क्लीनिनेस करना, और उसके बाद दीज आर द प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर देयर। अब कई है इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी क्लीनिनेस किस तरीके से की जाती है, उससे पहले है उसे बोलते हैं तरारका, टू ग्रेजिंग द साइटनेस, यानी कि
आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने का, कंसेंट्रेट करने का जो तरीका है विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, बिना ब्लिंक झपकाए आंख को हम लगातार जब किसी चीज को देखते हैं, ठीक है ना बेटा? ये वैसे नॉर्मली लोग गेम भी करते हैं, लेकिन ये एक एक्चुअली एक्सरसाइज है हमारी बॉडी के आईज का, बिल्कुल जो है लेवल पर एक स्पॉट या कुछ लगाकर उसे कंटिन्यू देखना है। या कई बार लोग क्या करते हैं, कैंडल जो है वो बंद कर लेते हैं और उसको कंटिन्यू देखते रहते हैं, या कोई स्पॉट लगा लेते हैं कि मैंने उसे कंटिन्यू विदाउट ब्लिंकिंग माय आईज आई हैव टू सी दैट प्लेस। ये क्या है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। समझ में आ गया बेटा? ये योगिक क्रिया का मतलब है योगा द्वारा हमारी शरीर के अंदर की जो भी चीजें हैं उनको किस तरीके से साफ किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वस्ती। वस्ती का मतलब होता है जो हमारे इंटरनल जो लार्ज इंटेस्टाइन है, टू टाइप्स के इंटेस्टाइन है ना हमारी, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है बॉडी में और एक लार्ज इंटेस्टाइन। हाउ टू क्लीन दैट, उसे किस तरीके से साफ किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, चाहे वो जादू समझ लो या कई लोग दिखाते हैं, दे जस्ट पुट द मुंह के अंदर धागा डालते हैं बहुत लंबी देर से और उसके बाद उसको निकालते हैं, ठीक है, या कई बार नाक से निकालते हैं, कई बार इवन कपड़े का पीस जिसे धोती बोल देते हैं ना, उस तरीके से अंदर डालते हैं और पूरी क्लीनिंग करके बाहर निकालते हैं। ये आता है किसके अंदर, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह को, उसे हम कहते हैं वस्ती। क्या कहते हैं? वस्ती, VASTR, ठीक है, उसे कहते हैं हम वस्ती। वस्ती जिसके अंदर हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करते हैं, दांतों को, टीथ को साफ करने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे तो हम कहते हैं दांत और जो जीभ है उसे हम मंजन के द्वारा या उसके द्वारा, लेकिन यू माइट हैव सीन द टंग क्लीनर, आजकल मॉडर्न टंग क्लीनर है तो हम उसे बैंड वाले को यूज करते हैं, या स्पेशल हमारे पे जो टूथब्रश है उनके साथ भी आते हैं क्लीनर्स, पर पहले ऐसा नहीं था। टू क्लीन द टोटल इंटेस्टाइन और द बॉडी, हम या तो उसे फिंगर से या फिर कोई ना कोई चीज ऐसी डालकर हम आउटसाइड पूरा अपना बॉडी का जो इम्प्योरिटी या गंध है उसे बाहर निकालने में मदद करते थे, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये योगिक क्रियाएं हैं जो पहले, अभी अगर हम इन चीजों को सुनते भी हैं तो सम ऑफ देम फील अ वॉमिटिंग या माइंड सेट नहीं है, क्योंकि हमने और तरीके से मॉडर्नाइजेशन चीजें देखी हैं, इसलिए हम इन चीजों को अवॉइड, सुनना भी अवॉइड करते हैं। अगर हम पुराने लोगों का देखें तो यू माइट हैव सीन एट योर होम, जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं वो मंजन करना ज्यादा पसंद करते हैं, देन टू मसाज देयर गम्स एंड टू कीप देयर टीथ इन अ वेरी गुड मैनर दे यूजुअली डू दैट दातुन, दांतों को चबाते हैं, चबाते जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वट एवर द इम्प्योर थिंग्स आर इन दर टंग, गले तक नीचे तक है वो हम बाहर लेट करते हैं, बाहर फेंकते जाते हैं, उसके बाद ऑयल में सॉल्ट मिलाकर मसाजिंग ऑफ द गम्स आर देयर, ये पुराने लोग करते थे, या कोई और दातुन जैसे है अखरोट के छिलके लेकर, उसके छिलके लेकर उनसे दातुन करते थे, उससे क्या होता था बेटे, पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती थी, क्योंकि जब हमारे अंदर से गंदगी चली जाएगी तो हम क्लीन और फ्रेश ही फील करेंगे, ज्यादा एंथुसियाज्म आएगा, ज्यादा हमारे अंदर पार वर्क करने का जज्बा जो है वो बढ़ जाता है, इट इंक्रीज अ नॉर्मली दिस थिंग। देन न्योली, न्योली है स्टोमक को क्लीनिंग करने का वे, हाउ टू क्लीन द न्योली है, नेती है, वस्ती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, कपालभाति है, ये सारी चीजें हैं टू क्लीन योर बॉडी टोटली, इन्हें हम योगिक क्रियाओं के अंदर लाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज, बेटे प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट, आप लिख सकते हो बहुत आसानी से ताकि तुम्हारे लिए इजी हो,
नेति, NETI, नेति है टू क्लीन द नेजल्स, ठीक है ना, नेजल क्लीनिंग के लिए नेति है, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देती हूँ ताकि इजी रहेगा याद करना, ठीक है, आप भी लिख लो बेटा, कितने बच्चे आ रहे हैं, वो आप भी सारे इसको साथ साथ में इफ यू वांट टू लिख, कपाल भाती, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रंटल या फोरहेड लिख सकते हो, त्रातका, त्रातका, ब्लिंकलेस गेजिंग, यानी कि कंटिन्यू किसी चीज को, नहीं तो क्या होता है हमारी आंखों से पानी आना या कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है या हम नहीं देख पाते, ये है हमारी उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट बेटा लिखो न्योली, NAULI, न्योली, एब्डोमिनल जितनी चीजें हैं उसकी मसाज या क्लेनलीनेस के लिए ये होता है, ठीक है, नॉर्मली हम इसे लेते हैं। फिर है धोती, धोती क्रिया है क्लेनलीनेस ऑफ योर डाइजेस्टिव, क्लेनलीनेस ऑफ अवर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड स्टॉमक, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज बस्ती, कोलोन, कोलोन क्लीनिंग के लिए होता है, पूरी बस्ती साफ करने का मेथड, जो पूरा नली है उसको साफ करने के लिए होती है बस्ती। ये क्लियर हो गया बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? यस मैम। इज इट क्लियर बेटा? थर्ड कौन सा था बेटा, है हाँ, तार्तका, आईज के लिए, नाउ द थिंग इज कि मुझसे बच्चों ने बुक के बारे में पूछा था, बेटे मैंने एक ही बात बताई है, आपने नहीं, बहुत बच्चे पूछते हैं स्टिल दे हैव नॉट परचेस्ड और दे लिसन या पुरानी ली हुई है, बेटे बुक वो लेना जिसमें मैंने जो आपको सिलेबस भेजा है उसके सारे कंटेंट्स हो, चाहे आप SP की ले लो, चाहे माधव की लो, चाहे सरस्वती की, किसी भी पब्लिशर की ले सकते हो, हमारी तरफ से आपको कोई बॉन्डिंग नहीं है कि यू हैव टू परचेज दिस बुक फॉर यू, हमारी तरफ से तुम्हें कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट है, सिर्फ जो सिलेबस दिया है उसके कंटेंट्स को चेक करके ही बुक परचेज करनी, ठीक है ना बेटा, ताकि तुम्हें मैक्सिमम चीजें बेनिफिट मिल सके, ऐसा ना हो मिसिंग हो या पुरानी पड़ी है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अब अच्छे से पता चल गया है कि अब पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, टोटली MCQs पे है, इट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू द लेसन्स वेरी थॉरली, क्वेश्चन आंसर नहीं है कि हमने ये लिखा कुछ भी लिख दिया कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, नाउ इट इज वेरी टफ लाइक अ मैथमेटिक्स, इफ इट इज करेक्ट देन 1, If it is wrong, then 0. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आपने थरोली लेसन को पढ़ना है, आप बेशक SP की लो, आप माधव की लो, आप एवरग्रीन की लो, हमें कोई नहीं, JPH की ले लो, कोई भी बुक ले लो, लेकिन वो होनी चाहिए जिसमें न्यू एडिशंस के सारे चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर को मत देखना क्योंकि 2-3 तो लगातार वैसे ही आ रहे हैं, उसके बाद चेंजिंग है सीक्वेंस में भी और लेसन की डिलीशन और वो भी है, इसलिए इस चीज का ध्यान खास रखना बेटे, ठीक है बच्चे, कि बुक लेते समय इस चीज को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को लर्न करना, कल आपका टेस्ट है ना बेटे, क्लास टेस्ट है 10 मार्क्स वाला, और नेक्स्ट वीक से आपके रिविजन टेस्ट है, टोटली MCQ है, सिलेबस शायद मैंने सेंड कर दिया है एक बार, फर्स्ट रिविजन सेकेंड, इसका मतलब टोटल वही है तुम्हारा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना एंड ट्राई टू लर्न द लेसन्स वेरी थॉरली, समझ में आ गया बेटे, नाउ नेक्स्ट हम इसी का चलते हैं आगे, आपको अभी तक मैंने बताया था कि कुछ जो है आसन्स वो बैठकर किए जाते हैं, कुछ आसन्स खड़े होकर किए जाते हैं, कुछ आसन लेट कर किए जाते हैं, अब इसमें एक चीज आती है योग निद्रा,
सोना, स्लीपिंग। लेकिन अब स्लीपिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। हमारी स्लीपिंग जो है उसमें हमारी कॉन्शियस नहीं होती, हमें किसी भी चीज का पता नहीं चल जाता है जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं। यहाँ पर योग जो है, योग के द्वारा क्या होता है बेटे, पहले तो उसमें एक पोजीशन प्रॉपर होती है कि सीधे लेटना होता है, हमारे लेग्स और हैंड जो है वो ओपन होने चाहिए, और इसके अंदर हमने अपनी बॉडी की और टोटल कंसंट्रेट करना होता है। ठीक है, यू जस्ट ले डाउन, क्लोज योर आईज एंड देन फ्रॉम द राइट ऑनवर्ड, राइट पैर के थंब जो है, फुट का थंब जो है, वहां से अपनी बॉडी के बारे में पूरा सोचते और देखते आओ कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है। उसके बाद मूव करते हुए लेफ्ट साइड का हमने करना होता है। इससे क्या है, हमें अभी तक अपनी बॉडी का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे या मेरी बॉडी किससे, आईने में देखना वो चेहरा होता है, बॉडी का ज्ञान होना अलग चीज है। ठीक है ना, योग निद्रा, निद्रा जो है वो हमेशा शव आसन में किया जाता है। समझ में आ गया, इसे योगिक स्लीप, योगिक निद्रा कहते हैं, और ये केवल और केवल शव आसन में किया जाता है। शव का मतलब ऐसे डेड बॉडी होती है, शव बोलते हैं ना डेड बॉडी को, शव आसन का मतलब है जहां पर हिलजुल कुछ भी ना होना। ठीक है, ऐसे लगना कि हम बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, लेकिन हमें पूरा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी। ठीक है, अब एक आता है पद्मासन। नाम सुना है कभी पद्मासन? सुना है ना पद्मासन, क्रॉसिंग द लेग्स, सिटिंग इन ए प्रॉपर मैनर, हमारी बैक बिल्कुल, स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, या हमारे हैंड्स जो हैं वो हम सामने या उसमें रखते हैं, सुखासन में सामने होते हैं और पद्मासन में हम। इसे एक और नाम से बुलाया जाता है पद्मासन को, दैट इज अ लोटस पोज। लोटस का, कमल का जैसे पोज होता है उस तरीके से बनता है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे गरुड़ आसन है, दैट इज गरुड़ ईगल पोज में बनाना, लेग को पूरी तरह फोल्ड करके और हैंड को फोल्ड करके हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को पूरी तरह फोल्ड करके नमस्कार करते हैं और हमारी लेग जो है वो भी फोल्ड होती है। इट इज लाइक अ ईगल, बर्ड शेप में पोज बनाया जाता है जिसे हम गरुड़ आसन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद है सुखासन। ठीक है, सुखासन भी क्रॉस लेग करके, हैंड स्ट्रेट, आईज क्लोज, दिस इज फॉर द मेडिटेशन एंड कंसेंट्रेशन एंड कीप द माइंड काम। हम मेडिटेट कब कर सकते हैं? सिर्फ आंखों को एक बंद करने को मेडिटेशन नहीं कहा जाता, जब हमारा दिमाग जो है वो उसके घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हों, दैट इज नॉट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द लास्ट स्टेज, समाधि, जिसमें हम, हमारी आत्मा जो है वो केवल परमात्मा की तरफ हो। कंसेंट्रेशन बढ़ानी यानी कि बाकी चीजों को धीरे धीरे हटाना, तभी हमारी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी ना। इसका एग्जाम्पल कंसेंट्रेशन का आपकी लैंग्वेज में यह नॉर्मली क्या होता है, कुछ बोल रहे हैं और बहुत बहुत जोर से शोर आ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, एक मिनट, लेट मी लिसन टू दिस वर्ड। इट मीन्स यू वॉन्ट टू कंसेंट्रेट और फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, और वो कब हो सकता है, जब हम काम भी हों, कंसेंट्रेशन करना भी चाहते हैं तभी होता है। काम का मतलब है माइंड में तो चलता हो कि हो, टेस्ट भी पढ़ना है, ट्यूशन भी जाना है, उसके घर पार्टी पे भी जाना है, ड्रेस भी क्या पहनी है, और मैडम क्या बोल रहे हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं है, स्ट्रेस लेवल को वो बढ़ाएगी। काम ये है जैसे जैसे जो टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, या प्रीपेड मैं ऑलरेडी हूं तो मैं इस चीज की तरफ फोकस करूं जो मैं इस पीरियड में करना चाहती हूँ, दैट इज अ डिफरेंट। क्लियर हो गया बेटा, ये आता है सुखासन। जो सुखासन है हमारा वो किस लिए होता है, वो हमारा नॉर्मली होता है टू मैनेज द काम होना, सबसे पहली बात है उसमें,